अलीगढ़ में राष्ट्र सेविका समिति की तरफ से आयोजित कैंप में महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए हथियार चलाना सिखाया जा रहा है। इस कैंप में बढ़ चढ़कर लड़कियों और महिलाओं ने हिस्सा लिया। यहाँ पर शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तीनों प्रकार की शिक्षाएं, तीनों प्रकार का ज्ञान बहनों को हम देते हैं। यहाँ सुबह 4:15 से लेकर रात्रि 10 बजे तक की दिनचर्या है बहनों की, जिसमें सुबह शारीरिक में 2.5 घंटे की शाखा, प्रातः जागरण के बाद में शाखा में आने के बाद प्रातः स्मरण है, दंड, निरुद्ध, योगासन इत्यादि कार्यक्रम उनको सिखाए जाते हैं। ट्रेनिंग तो यहाँ पे बहुत अच्छी दी जा रही है, जिसमें किसी भी हर बच्चे का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और साथ में आध्यात्मिक विकास भी होता है। इसमें आत्मरक्षा के लिए नियुद्ध वगैरह दिया जाता है, सिखाया जाता है, और अभी बताया था जिसमें तलवार सिखाई जाती है चलानी, और दंड से सिखाया जाता है अपनी रक्षा करने के लिए, ये सब हमें सिखाया जाता है। इन सभी शिक्षा वर्गों में हम इन बच्चियों को देशभक्ति का भाव जागृत करते करते वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, बौद्धिक रूप से सक्षम कैसे बन सकती हैं, इसका हम प्रशिक्षण देते हैं। एटा में प्रजापति समाज ने आरक्षण की मांग करते हुए देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम तहसील पर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने आए प्रजापति समाज ने मांग की है कि 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल कर OBC कोटे में अलग से 15% आरक्षण दिया जाए। ज्ञापन दिया हमने, हमारे जो सरकारें हैं कई बार से सारी सरकारें आश्वासन देती रहीं कि हम आपको पिछड़ी जाति में शामिल करेंगे, अनुसूचित जाति शामिल करेंगे, लेकिन सरकार ने आज तक अभी तक हमारे कोई जाति में शामिल नहीं किया है। और BJP गवर्नमेंट ने एक कहा था कि हम आपको अति पिछड़ा शामिल कर देंगे, क्योंकि हमारी जाति कास्ट अति पिछड़ी है इस वजह से, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की आज तक। और हम सरकार से, राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि हमारे कास्ट को अति पिछड़ी शामिल करें। इटावा में बड़पुरा में हुई हत्या में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। तीसरा मुख्य आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से दूर बना हुआ है। बड़पुरा में मामूली विवाद को लेकर किसान प्रेम नारायण तिवारी की हत्या ईंट और धारदार हथियारों के प्रहार से कर दी गई थी, जिसके बाद से आरोपियों की तलाश जारी है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में BJP विधायक अलका राय अपने समर्थकों और स्थानीय ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गई है। दरअसल बुधवार की शाम ताड़ीघाट 12 मार्ग पर चक्का जाम करते हुए मोहम्मदाबाद विधायक ने आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। विधायक अलका राय ने बताया कि नवली गांव में पुलिस ने कई दर्जन घरों में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट की है। कि यहाँ पर प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है, हम SP से भी बात किए, प्रशासन ने यहाँ पर गलत उपयोग किया है, तो कासमाबाद, रेवतीपुर और आपका सिद्धानगर, ये तीनों मिलकर के ऐसा काम किए हैं। प्रधान जी ऐसे सीधा साधा व्यक्ति, उनको जबरदस्ती उनका घर का भी सब नुकसान किए हैं, मारे पीटे हैं, महिलाओं के साथ उनका बांह खींच करके बाहर निकाले हैं। फैजाबाद में BPH संघर्ष समिति के लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला और सरकार से खाली पड़े खेल शिक्षकों की भर्ती की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि जब योग को सरकार स्कूलों में मान्यता देने की पहल कर सकता है तो उनकी भर्तियों पर रोक क्यों लगी हुई है, क्योंकि योग भी खेल के विषय का एक प्रमुख हिस्सा है। योग शारीरिक शिक्षा का एक अंग है और बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में योग एक क्रिया के रूप में अनिवार्य विषय के रूप में लागू है, लेकिन अफसोस इस विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने योग के महत्व को जानते हुए उच्च प्राथमिक विद्यालय में 32,022 उच्च पदों पर सारी शिक्षा व खेल कूद अनुदेशकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी, जिनसे योग कार्य भी लिया जाना था, लेकिन उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद योगी सरकार ने समीक्षा के नाम पर उस भर्ती को 23 मार्च 2017 को रोक लगा दिया, जिसके बाद हम लोग न्यायालय की शरण में गए। न्यायालय के सिंगल बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को 2 माह के अंदर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था। हमीरपुर में अर्जुन सहायक परियोजना बांध के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करने पर उचित मुआवजा न देने को लेकर नाराज सैकड़ों किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। इन किसानों का आरोप है कि सरकार ने 4 गुना मुआवजा देने की घोषणा के बाद भी उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया था। किसानों का आरोप है कि पुलिस ठेकेदार के साथ उनकी जमीनों पर जबरन कब्जा कर रही है, इसी के चलते उन्हें धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
हम लोग यहाँ पर है जो अमीर प्रमुख कलेक्ट्रेट गोल चबूतरा पर बैठे हुए जिला मुख्यालय में, हम लोगों की किसानों की जमीन है जो 15 गांव की है, जो जमीन भूमि अधिग्रहण हो चुकी है सरकार द्वारा, जो भूमि अधिग्रहण किया गया सन 2012 में अखिलेश सरकार ने भूमि अधिग्रहण किया था और 4 गुना देने का वादा किया था, और जबकि भारत सरकार की तरफ से सर्कुलर रेट है इसका 4 गुना कि कहीं पर भी किसान की सरकारी जमीन और सरकारी काम के लिए अगर जमीन भूमि अधिग्रहण होती है तो उसका 4 गुना मुआवजा मिलता है और एक पक्की नौकरी मिलती है। हापुड़ में अवैध स्लॉटर हाउस के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवक के परिवार वालों को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। पीड़ित परिवार 1 साल से पुलिस महकमे से न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अवैध स्लॉटर हाउस के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई की थी। सारा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद भी पीड़ित युवक को जेल भेज दिया गया। मामले में पीड़ित को जेल भेजना पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। मेरा लड़का दवाई लेकर आ रहा था और रास्ते में घात लगाए बैठे थे और ये 10-12 आदमी थे मेरे बच्चे पे, इन्होंने लड़के पे वार कर दिए और उसे मारा पीटा। हमने पुलिस में हम गए, उनसे कहा, मैंने कहा आपने हमारे बच्चों को क्यों वहाँ भेजा, जेल में भेजा क्यों, उसको धाराएं लगाई। हापुड़ में मामूली विवाद पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे पथराव और धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिसमें दो पक्षों के करीब 6 लोग घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया और जांच में जुट गई है। ये सुबह जो है कूड़े नाले में कूड़े की सफाई को लेकर के दो पक्षों में औरतों में झगड़ा हुआ और बाद में पुलिस भी लड़ गई आपस में, जिससे जो है एक तरफ 3 लोग एक तरफ 2 लोग को चोटें आई हैं और गंभीर चोटें हम अभी देख के नहीं कह सकते हैं, मेडिकल रिपोर्ट जैसी आएगी वैसे बच गई। सभी को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है, जो भी तहरीर आएगी अभी तहरीर आई नहीं है, जो भी तहरीर आएगी उस पर लेकर मुकदमा कार्रवाई की जाएगी। जालौन में चोरियों का वारदात का सिलसिला लगातार जारी है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इस बार चोरों ने उस सीबीआई जज के घर को निशाना बनाया जिसने देश में बहुचर्चित चारा घोटाला के मुख्य आरोपी लालू प्रसाद यादव को सलाखों के पीछे पहुंचाया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ग्राम शेखपुर खुर्द थाना जालौन में सुरेंद्र पाल सिंह द्वारा सूचना दी गई कि रात में उनके घर में चोरी हो गई है। उनकी सूचना पर थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी मौके पर गए थे और वहाँ पर डॉग स्क्वाड था फील्ड यूनिट को बुलाया गया था, जहाँ से डॉग स्क्वाड आया था वहाँ पर छानबीन की गई है। सर्विलांस की पार्टी और एसओजी की टीम भी वहाँ पर गई है, छानबीन कर रही है। मेरे द्वारा स्वयं मौके का निरीक्षण कर लिया गया है और उचित निर्देश दिए गए हैं, जल्दी ही घटना खुलासे के प्रयास किए जा रहे हैं। श्रावस्ती में 4 जून को हुए महिला हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 4 जून की सुबह इकोना थाना क्षेत्र के कुशवापुर गांव की महिला पूजा की लाश गन्ने के खेत से बरामद हुई थी। पुलिस ने गांव के एक युवक छैलू को मामले में नामजद किया गया। साथ ही विवेचना के दौरान गांव के ही सरदारी उर्फ परवेज कुमार का भी नाम प्रकाश में आया है। थाना इकोना में एक महिला की हत्या हुई थी धारदार हथियारों से, उसका गला काट कर। उस हत्या में नामजद FIR हुई थी, छैलू नाम के व्यक्ति के खिलाफ नामजद FIR थी। उसी दिन से इंस्पेक्टर इकोना श्री डीडी मिश्रा को अभियुक्त की गिरफ्तारी और इसके सफल निस्तारण हेतु टीम बना करके लगाया गया। इनके द्वारा आज उसकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी करने के बाद छैलू ने एक नाम और बताया है, सरदारी भी उसी काम का रहने वाला है। इन दोनों ने मिलकर के उस महिला की हत्या की। जम्मू कश्मीर में नौकरी के नाम पर बंधक बनाए गए युवकों का मामला काफी तूल पकड़ चुका है। युवकों ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं उसकी जांच खुफिया एजेंसियों ने करनी शुरू कर दी है। इस मामले में SP बागपत ने जम्मू कश्मीर पुलिस से संपर्क साध लिया है और वापस आए युवकों ने जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच शुरू कर दी है। हालांकि जो पीड़ित युवक है वो बार बार अपने बयान बदल रहे हैं। जम्मू कश्मीर से आए वसीम ने आरोप लगाया है कि उन्हें बंधक बना लिया गया था और उन्हें पैसे भी नहीं दिए जा रहे थे और चोरी में फंसाने की धमकी दी जा रही थी। उन्हें पत्थरबाजी करने के लिए ले जाया गया था और वो ये देखकर डरकर अपने घर आ गए।
हम लोग कश्मीर गए थे। अच्छा। तो वहाँ पे सिलाई की फैक्ट्री में काम कर रहे थे हम लोग जी। तो एक दिन वहाँ पे जो है इनकाउंटर हो रहा था, अभी लोग हमें बोले चलो घुमा के लाते हैं। उन गांव वाले इकट्ठे हो रहे कम से कम हजारों की तादाद में, सेना पे पत्थर मार रहे, हाउले तार रहे। तो हम तो वहाँ देख के डर गए, घबरा गए हम लोग। उसके बाद में ये लोग कह लगे भाई चलो एक काम करो तुम भी मारो मगर जी, हम तो यहाँ पत्थर मारने थोड़े ही आए, हम तो जाल लग रहे फैक्ट्री में। ये पता चला था कि एक लड़का यहाँ बड़ौद का है और बाकी कुछ लड़के सहारनपुर के गए थे वहाँ मजदूरी करने जेनके में, तो उनका यहाँ आके आरोप लगाना ये लगाया कि हम लोग वहाँ फैक्ट्री वाले ने अंदर हम लोगों को रोक रखा था और एक बार वहाँ कोई घटना हुई तो जो मजदूर वहाँ के थे वो जाके वहाँ पत्थर फेंक रहे थे, ये उसका कहना। और इनसे भी कहा कि तुम लोग भी ऐसा करो, तो इनने मना कर दिया। उसके बाद वो लोग भाग आए कि क्या सही क्या गलत है इसकी तहकीकात वहाँ हो जाएगी और उस हिसाब से फिर इसमें देखा जाएगा। फिरोजाबाद में रेलवे सुरक्षा बल टूंडला जंक्शन और आरपीएफ क्राइम ब्रांच टीम ने एक रेलवे टिकट एजेंट को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी पर्सनल आईडी से अवैध रूप से टिकट बेचने का काम करता था। मौके से कंप्यूटर, दो तत्काल टिकट और दो सामान्य आरक्षण के कुल 3,845 के टिकट और रुपए भी बरामद किए हैं। लोगों को सूचना मिल रही थी कुछ दिनों से कि एक आदमी जो कि रेलवे का टिकटों का अवैध कारोबार कर रहा है। दरअसल इन्हें रेलवे की IRCTC से ये लाइसेंस लिया हुआ था और IRCTC में प्रावधान है कि उसकी अपनी आईडी होती है, उस आईडी पे वो टिकट निकाल के तब लोगों को दे सकता है। ये जो आदमी पकड़ा गया है दीपक सलूजा, ये अपनी पर्सनल आईडी पे टिकट निकाल के लोगों को 200-300 रुपये फायदा लेकर के बेचता था, जो कि गलत है और कानूनन जो है जुर्म है। देखिए हमारे रेलवे बोर्ड से भी और हेडक्वार्टर से भी समय समय पर निर्देश आते रहते हैं। गर्मी के सीज़न में टिकटों के अवैध दलाली जो दलाली करते हैं एजेंट हैं वो ज़्यादा पैसे लेके आम यात्री को टिकट बेचते हैं। आज हमें सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे ये यहाँ पे फारस मार्केट में टुंडला में एक साइबर कैफे वाला है, उसके द्वारा टिकट तत्काल अपनी पर्सनल आईडी में तत्काल टिकट निकाल के ज़्यादा पैसे में बेची जाती है। उसी में हमने अपने आदमी सादे कपड़े में लगाए थे, अपराध CIB टीम के भी हमने अपने साथ रखा था, CIB को साथ लेके हमने वहाँ अपने पहले रेखी कि जब हम सुनिश्चित कर लिया कि वो टिकट बना रहा है तो हमने टिकट ली, उसके द्वारा ज़्यादा पैसे लेके टिकट दे दिया गया जो कि रेलवे के अंदर अवैध रूप से पर्सनल आईडी पे कोई भी टिकट नहीं बना सकता है, ये इनका रेलवे अधिनियम के तहत ये गैरकानूनी है। चारबाग में मंगलवार सुबह दो होटलों में भीषण आग लगने से 6 लोगों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। पूरे मामले में कहीं ना कहीं फायर इंस्ट्रूमेंट की खराबी होने और होटल मैनेजमेंट की लापरवाही से आग ने कई जिंदगियां अपने आगोश में ले ली थी। अब पूरे हादसे के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है, अवैध तरीके से चलने वाले होटल और रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की जा रही है। इसको लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में अपर जिला अधिकारी ने नगर निगम लेसा, LDA, अग्निशमन और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में चारबाग नाका और हजरतगंज में अवैध तरीके से चल रहे होटलों और रेस्टोरेंट पर कार्रवाई करने के लिए टीम का गठन किया है। चारबाग और नाका क्षेत्र में जिला प्रशासन ने दो मजिस्ट्रेट को चेकिंग अभियान की जिम्मेदारी दी है। इसमें पुलिस विभाग से 6 पुलिस अधिकारी, अग्निशमन से खुद CFO मोर्चा संभालेंगे। साथ ही साथ नगर निगम LDA लेसा के भी अधिकारी चेकिंग अभियान की टीम का हिस्सा होंगे। ये देखिए इसमें जो आग लगी थी उसमें तमाम सारे जो होटल्स हैं वहाँ पे सेफ्टी जो मानक है उनका पालन कराने के लिए और कार्रवाई करने के लिए आज उसमें यहाँ कलेक्ट्रेट मीडिया साहब यहाँ बैठे थे, उसमें सभी लोग सभी विभागों के अधिकारी थे, फायर के और LDA के, नगर निगम के, बिजली विभाग के, और उसमें चर्चा हुई है कि किस प्रकार से कार्रवाई इसकी की जाए। आगे कल भी जैसा कि कार्रवाई हुई थी, कुछ होटल सीज हुए थे और कुछ को नोटिस दी गई थी, उसी तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बांदा के अशोक लाट चौराहे पर कुछ लोगों ने शहर के चेयरमैन मोहन साहू के पुतले को जूते चप्पलों की माला पहनाकर मुर्दाबाद के नारे लगाए और पुतले की जमकर पिटाई भी की, जिसके चलते शहर में तनाव का माहौल बना हुआ है। यूपी में अब पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है, लुटेरे अब उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। ताजा मामला यूपी के फर्रुखाबाद का है, जहां बाइक से अपनी पत्नी के साथ घर जा रहा एक सिपाही लुटेरों का शिकार हो गया।
बदमाशों ने सिपाही को गोली मारकर हजारों की नकदी व जेवरात लूट लिए और मौके से फरार हो गए। वहीं जब घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की छानबीन में जुट गई है। रास्ता में जा रहे तो वैसे लूट पाट मारे उन्होंने, चैन एंड फाइन दस इसीलिए लूट मार के चैन तोड़ ले गोली मार दे। फतेहपुर पुलिस ने दो हैकर्स को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश उस गिरोह में शामिल थे जो एटीएम हैक कर पैसा निकालते थे। इनके पास से 55,000 रुपए सहित भारी मात्रा में एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम कार्ड भी बरामद किए हैं। ये गिरोह कई लोगों को लाखों की चपेट लगा चुके हैं। ये गिरोह इंदौर, कानपुर सहित अन्य राज्यों में भी सक्रिय है और बाकी लोगों के गिरफ्तारी के लिए पूछताछ की जा रही है। कल रात में कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एसबीआई बैंक की मुख्य शाखा के एटीएम के पास दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, जिसमें से एक कानपुर नगर नरबल थाना का रहने वाला है दीपक यादव और दूसरा देशराज विश्वकर्मा, ये गाजीपुर थाना जनपद फतेहपुर का रहने वाला है। इनके कब्जे से कुल 26 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं, जिसमें एसबीआई बैंक के 12 हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के 8 हैं और पीएनबी बैंक के 6 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। हमीरपुर में जिला अस्पताल में प्रसव के बाद महिला को 7 घंटे बाद एम्बुलेंस मिली। पारा लादर से सुबह 7 बजे अस्पताल आई, लेकिन वापस जाने के लिए 35 किलोमीटर से अधिक दूरी बताने पर 600 रुपए की मांग की गई थी, जिसके बाद मीडिया के हस्तक्षेप के बाद एम्बुलेंस आई। छुट्टी हो गई थी 10 बजे, एम्बुलेंस के इंतजार में बैठे फोन लगा रहे थे और रिश्वत मांग रहे हैं, बोले 600 रुपए दो, हमें अलाउ नहीं 35 किलोमीटर दूर जाने से। कन्नौज में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को 19 किलो 400 ग्राम गांजा समेत गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से कार भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिससे इस धंधे से जुड़े अन्य लोगों का पर्दाफाश हो सके। कल रात को थाना इंद्रगढ़ में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से एक मारुति वैन से करीब 20 किलो के आसपास ये गांजा बरामद किया गया है। इनके जो नाम है, ये जितेंद्र पुत्र लोचन बंजारा है, किशन कुमार पुत्र चौब सिंह है और राज बहादुर पुत्र निरपत है। ये थाना ठठिया के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में पेट्रोल पंप कर्मियों की बदसलूकी का मामला सामने आया है। मामला आशियाना थाना के पकरी पुल स्थित पेट्रोल पंप का है, जहां पेट्रोल की घटतौल की शिकायत पर पेट्रोल कर्मियों ने ग्राहक की पिटाई कर दी। पेट्रोल पंप पर ग्राहक की पिटाई की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और अब कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है। आपको बता दें कि पहले भी घटतौल के कारण ये पेट्रोल पंप सीज हो चुका है। मथुरा के वृंदावन में गंगा दशहरा के मौके पर भारी तादाद में श्रद्धालुओं ने यमुना में डुबकी लगाई, साथ ही बांके बिहारी मंदिर में जाकर भगवान की पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आए। यमुना स्नान को देखते हुए प्रशासन ने भी कड़े इंतजाम किए हैं। रिवर पुलिस के अधिकारियों सहित रिवर पुलिस के जवान यमुना में लगातार गश्त लगा रहे हैं। वहीं प्रशासन की लापरवाही के चलते माला प्लास्टिक जैसी कई चीजें नदियों में तैरती नजर आई। मथुरा में एक युवक का हौसला देखते बनता है। दरअसल उड़ीसा का एक युवक प्रधानमंत्री से मिलने उड़ीसा के राउरकेला से पैदल मार्च पर निकला है। मथुरा पहुंचकर उसकी तबीयत बिगड़ी, फिर इलाज कराया और मीडिया से बात करके फिर पैदल मार्च के लिए निकल पड़ा। युवक का कहना है कि उड़ीसा के राउरकेला में पीएम मोदी ने हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी और ग्रामीण नदी पर नया ब्रिज बनाने की बात कही थी। प्रधानमंत्री को उनका वही किया वादा याद दिलाना है। राउरकेला से आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ दिल्ली पीएमओ ऑफिस प्रधानमंत्री से मिलने। 16 अप्रैल को निकला था, माननीय प्रधानमंत्री जी 2015 अप्रैल फर्स्ट में आए थे हमारे वहाँ पर एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है इस्पात जनरल हॉस्पिटल और एक ब्रिज है जो ग्रामीण नदी में है, उसका कंडीशन बहुत खराब है ब्रिज का। गाजीपुर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। 2 साल की बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कर दी। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर और कंपाउंडर ने इलाज में लापरवाही की, जिससे बच्ची की जान चली गई। परिजनों ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया है।
वहीं मामले में डॉक्टर का कहना है कि बच्चे की हालत गंभीर थी जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों के तोड़फोड़ करने पर उनके खिलाफ भी तहरीर कोतवाली पुलिस को दी जा रही है। वो इलाज के लिए गाजीपुर से आए थे और इलाज के दौरान बच्चे की मृत्यु हो गई है और अवस्था में स्थिति के बाद कोई ऐसा कोई आपराधिक मामला नहीं, फिलहाल उनकी शिकायत की जाँच की जा रही है।